हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनारा अतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। इस वीडियो में स्टूडेंट आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी या ब्रिक की संरचना के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। स्टूडेंट, किडनी के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, जैसा कि किडनी आपका सेम के बीच की आकृति का है और इसका जो कलर है, रंग है, वो गहरे भूरे लाल रंग का होता है। ये आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है स्टूडेंट। इस वीडियो में चित्र के माध्यम से किडनी की संरचना बताई जाएगी, वो भी आंतरिक संरचना। तो पिछले वीडियो में स्टूडेंट आपको बताया गया कि जो किडनी है, ब्रिक है, वो सेम के बीच की आकृति की है और इसकी जो संरचना है वो सेम के बीच की आकृति के है और जो कलर है आपका गहरे भूरे लाल रंग का है। मनुष्य के शरीर में जो ब्रिक की संख्या है वो दो है स्टूडेंट, और प्रत्येक ब्रिक की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। स्टूडेंट, फिर ध्यान से आप सुने कि प्रत्येक ब्रिक की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक ब्रिक का भार जो स्टूडेंट है औसतन वो 120 से 170 ग्राम। तो स्टूडेंट, मनुष्य के शरीर में ब्रिकों की संख्या दो है और प्रत्येक ब्रिक का को जैसा बताया गया कि सेम के बीच की आकृति की हैं, गहरे भूरे लाल रंग की हैं, और प्रत्येक ब्रिक की जो औसतन भार है वो 120 से 170 ग्राम। स्टूडेंट, आपको बताया गया कि ब्रिक के जो भाग हैं, स्पेशली ब्रिक दो भागों में बटा होता है या ब्रिक के दो भाग हैं, जिसे आप कार्टेक्स और मेडुला, ये स्टूडेंट देखिए, ये मेडुला भाग है जो ब्रिक के अंदर का भाग है और ये बाहर का परिधि का भाग जो है वो स्टूडेंट आपका कार्टेक्स है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो ब्रिक का भाग है स्टूडेंट, सॉरी, ब्रिक दो भागों में बटा है, कार्टेक्स और मेडुला। और मेडुला भाग जो है वो कॉन्वेक्स टाइप का है और जो कार्टेक्स भाग है वो कॉनकेव टाइप का है। कॉन्वेक्स कॉनकेव जान रहे हैं, उत्तल और अवतल, इस तरह का सतह लेकर है। स्टूडेंट, पीछे आपको बताया गया है कि मेडुला भाग से एक खांच या एक दरार उभरा हुआ होता है जिसे आप हाइलम कहते हैं। उसी हाइलम के पास से एक मोटी नली बाहर की तरफ निकली होती है ब्रिक के, ये आपका यूरेटर है। स्टूडेंट ध्यान दें, ब्रिक का जो मेडुला भाग है उससे एक मोटी नली बाहर की तरफ निकली हुई है जिसे आप यूरेटर कहेंगे, और जहाँ से यूरेटर निकली हुई होती है स्टूडेंट, वहीं पर ये यूरेटर आपका स्टूडेंट यहाँ है, ये यूरेटर आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, और जहाँ से यूरेटर निकली हुई है वहीं पर एक हल्का सा खांच है, दरार है, मुड़ा है, उसी को आप कहते हैं स्टूडेंट हाइलम। तो आपका किडनी स्टूडेंट, किडनी के कई भाग हैं आपको बताया गया, कार्टेक्स और मेडुला। तो कार्टेक्स भाग में स्टूडेंट देखिए, ये जो आपका कॉनकेव टाइप का है कार्टेक्स भाग, कार्टेक्स भाग में 8 से 18, ये स्टूडेंट आप देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं 8 से 18। स्टूडेंट, ये 8 से 18 शंक्वाकार संरचनाएं हैं जिन्हें आप पिरामिड कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, किडनी का जो कार्टेक्स भाग है बाहर की तरफ का, उसके अंदर मेडुला क्षेत्र में 8 से 18 शंक्वाकार संरचनाएं निकली हुई हैं या शंक्वाकार संरचनाएं उपस्थित हैं, इसी संरचना को आप कहते हैं पिरामिड। इनकी संख्या कितनी है स्टूडेंट, 8 से 18। और इसी पिरामिड में नेफ्रान उपस्थित हैं स्टूडेंट, जो नेफ्रान के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि नेफ्रान किडनी की इकाई होती है या नेफ्रान से ही किडनी मिलकर बना होता है। एक किडनी में लगभग 10 लाख के आसपास नेफ्रान होते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो 8 से 18 शंक्वाकार संरचनाएं आपको बतलाई जा रही हैं, ये पिरामिड्स हैं और इसी पिरामिड में नेफ्रान उपस्थित होते हैं।
और नेफ्रान किडनी की इकाई होती है। नेफ्रान के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। आगे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि दो पिरामिड आपस में जुड़कर ये संरचना बना रही हैं, जो आपको कलर द्वारा फिगर में दिखलाई दे रहा है। इसे आप ब्लड साइनोसस कहते हैं स्टूडेंट। ये कौन सी संरचना है? ब्लड साइनोसस, अर्थात यहाँ पर रुधिर एकत्रित होता है। ब्लड साइनोसस वह जगह है, वह स्थान है जहाँ पर रुधिर कुछ मात्रा में एकत्रित होता है। और दो पिरामिडों के बीच की दूरी या जगह को आप स्टूडेंट कहते हैं रेनल आबर्टिनी। स्टूडेंट ध्यान दें, दो पिरामिडों के बीच की जगह को रेनल आबर्टिनी कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट आपका कह सकते हैं किडनी या ब्रिक की संरचना है, जो सेम के बीज की आकृति की है, जिसका कलर गहरे भूरे लाल रंग का है। मनुष्य का ब्रिक दो भागों में बटा है, कार्टेक्स और मेडुला। कार्टेक्स भाग बाहर का है और कार्टेक्स भाग से थोड़ा अंदर की तरफ मेडुला क्षेत्र में 8 से 18 शंक्वाकार संरचनाएं पाई जा रही हैं, जिन्हें आप पिरामिड कहते हैं स्टूडेंट। दो पिरामिडों के बीच में आप जगह देख रहे हैं, जिसे रेनल आबर्टिनी कहते हैं, और ये ब्लड साइनोसस है। प्रत्येक ब्रिक से एक मोटी नली बाहर की तरफ निकलती है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। इसे आप यूरेटर कहते हैं। और जहाँ से यह नली निकलती है, वहीं पर एक हल्का खांच दरार उपस्थित होता है, जिसे आप हाइलम कहते हैं। तो ये स्टूडेंट ब्रिक की संरचना। मनुष्य के शरीर में ब्रिकों की संख्या दो है स्टूडेंट। ये सब आपको पिछले वीडियो में ही बताया गया है। यहाँ पर केवल फिगर या संरचना के माध्यम से किडनी की संरचना बतलाई जा रही है। तो ये आपका स्टूडेंट ब्रिक की संरचना। यहाँ पर स्टूडेंट आपको नेफ्रान से संबंधित थोड़ा सा कथन बतलाया जाएगा, आगे आपको देखते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि नेफ्रान की संरचना आपको बताई गई थी कि कीप के आकार का है, जिसे बाउमेन कैप्सूल कहते हैं। बाउमेन कैप्सूल में एफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल उपस्थित हैं, जो पतली पतली केशिकाओं का जाल बनाती हैं, जिसे आप ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल आपस में मिलकर मालपिगियन कार्पसल्स बनाते हैं। और बाउमेन कैप्सूल स्टूडेंट नीचे की तरफ वृद्धि करके पीसीटी प्राग्जिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और नीचे वृद्धि करती हुई थोड़ी सी पतली हो जाती है, जिसे डिसेंडिंग लिम्ब, फिर थोड़ी सी क्षैतिज चलती है और ऊपर की तरफ जाती है, उसे एसेंडिंग लिम्ब कहते हैं स्टूडेंट। डिसेंडिंग लिम्ब और एसेंडिंग लिम्ब आपस में मिलकर हेनले लूप का निर्माण करते हैं। नेफ्रान की जो अंतिम संरचना है, वो कलेक्टिंग डक्ट है। इन सब के बारे में पिछले वीडियो में स्टूडेंट आपको बता दिया गया है। यहाँ पर एक स्टार के तहत, नोट्स के तहत आप देखिए स्टूडेंट, ध्यान दें। अब नया, पुरानी बातें जो अभी बताई गई वो पुरानी थी, जो आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया गया था। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अधिकांश नेफ्रान के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, नेफ्रान की संरचना पिछले वीडियो में आपको बताई गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधिकांश जो नेफ्रान है, उसके हेनले लूप बहुत छोटे हैं, ब्रिकाणु या नेफ्रान, और मध्यांश में, मध्यांश मतलब मेडुला में, बहुत कम धसे रहते हैं। ऐसे ब्रिकाणुओं को कार्टिकल या वल्कुटीय नेफ्रान कहते हैं। ऐसे नेफ्रान को जो कि मध्यांश में अर्थात मेडुला में स्टूडेंट बहुत कम धसे रहते हैं, अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? हेनले लूप में। तो ऐसे नेफ्रान को आप कार्टिकी ब्रिकक या कॉर्टेक्स नेफ्रान या कॉर्टिकल नेफ्रान कहते हैं स्टूडेंट। ध्यान दें, कह रहे हैं आप नेफ्रान की संरचना जान ही रहे हैं। नेफ्रान की संरचना में स्टूडेंट एक आपका हेनले लूप है। हेनले लूप कह रहे हैं कुछ जगह बहुत छोटा होता है, और किडनी के जो मेडुला भाग हैं उसमें बहुत कम धसे रहता है, या कह सकते हैं हेनले लूप का जो भाग है वो मध्यांश में बहुत कम उपस्थित होता है।
ऐसे निफ्रान को आप कॉर्टिकल निफ्रान या वल्कुटीय निफ्रान कहते हैं। स्टूडेंट फिर से ध्यान दें, वल्कुटी निफ्रान या कॉर्टिकल निफ्रान वह है निफ्रान है जिसके हिनले लूप बहुत छोटे होते हैं और वो मध्यांश या मिडुला भाग में कम धंसे रहते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट बताया जा रहा कि कुछ निफ्रान के हिनले लूप ब्रिककाड़ुओं मतलब निफ्रांस, तो कुछ निफ्रान के हिनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे होते हैं। इन्हें जक्स्ट्रा मेडुलरी निफ्रान कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ यहाँ हिंदी है सानिध्य मध्यांश ब्रिककाड़ु या जक्स्ट्रा मेडुलरी निफ्रान। स्टूडेंट ध्यान दें, जक्स्ट्रा दो ही बात हैं, एक आपका कॉर्टिकल निफ्रान है, दूसरा जक्स्ट्रा मेडुलरी निफ्रान। जक्स्ट्रा मेडुलरी निफ्रान का जो हिनने लूप है बड़ा है, मध्यांश या कह सकते हैं मेडुला भाग में धंसा हुआ है, फैला है। और कॉर्टिकल निफ्रान स्टूडेंट, जो कॉर्टिकल निफ्रान है उसका हिनले लूप छोटा है और वह मध्यांश में बहुत गहराई तक फैला नहीं, अर्थात बहुत कम मात्रा में धंसे रहते हैं। तो ये स्टूडेंट दो थे आपको बताया गया, कॉर्टिकल निफ्रान और जक्स्ट्रा मेडुलरी निफ्रान। तो इसको आप स्टूडेंट जानते रहे, इस वीडियो में इतना है।